गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मायसेल भरत कुरसेजा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री सोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स, और उस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर हम जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ चुके थे। उसके अंदर हमने इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क, इन सब के बारे में, जो हमारी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हैं, सबके बारे में हम पढ़ चुके थे बेटा। अब आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एंथैल्पी के बारे में। मैंने आपको बोला था ये जो चैप्टर है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, वो चार पिलर पे बेस्ड है, ठीक है। जो पहला पिलर था क्या, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं बेटा। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे एंथैल्पी के बारे में। किसके बारे में बेटा, एंथैल्पी के बारे में। अब एंथैल्पी क्या होता है उसको देखें आप, ठीक है। तो एंथैल्पी डेल एच, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, जब भी क्या होता है, जब भी कोई फिजिकल या केमिकल प्रोसेस होता है, तो बेटा वो जो होता है वो किस पर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। किस पे होता है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च या बेटा आप देख सकते हैं कि, या फिर जैसे किसी भी बीकर में कोई भी केमिकल प्रोसेस होता है, कोई भी केमिकल प्रोसेस होगा बीकर के अंदर, ठीक है। तो केमिकल प्रोसेस जब होगा तो वो किस पे होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा, ठीक है। यानी जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, 1 atm। तो अब देखो बेटा, इस दौरान एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी डेल एच ऑफ द सिस्टम, ये जो है एंथैल्पी क्या होता है सिस्टम की होती है, इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बेटा जब भी ये फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस होगा, कोई भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन होगी, तो उस रिएक्शन के ड्यूरिंग जो आपका जो सिस्टम है वो हीट अगर एब्जॉर्ब कर रहा है या इवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो इस ड्यूरिंग जो प्रेशर है वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे बेटा जो सिस्टम है वो जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या हीट जो है वो इवॉल्व कर रहा है, वो हीट ही किसके इक्वल होती है, एंथैल्पी के इक्वल होती है। यानी उस हीट को ही आप क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। क्लियर है। अब देखें आगे बढ़ते हैं। तो अब बेटा अगर मैं अदर वर्ड में बात करूं, तो अदर वर्ड में अगर मैं बात करूं तो इन अदर वर्ड्स एंथैल्पी इज डिफाइंड एज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ सिस्टम। यानी अगर मैं अदर वर्ड में बात करूं बेटा, तो जो एंथैल्पी है आपकी वो कैसे डिफाइन की जाती है, इंटरनल एनर्जी और जो आपका प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी और जो आपका प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी है उसके सम के रूप में डिफाइन की जाती है। क्या आपकी एंथैल्पी क्या डिफाइन की जाती है बेटा, आपकी एंथैल्पी डिफाइन की जाती है, ठीक है। अब देखें आगे, एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। और एंथैल्पी क्या है बेटा, एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये बेटा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। एंथैल्पी किस पर, इनिशियल और स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, ये जो है पाथ ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसलिए एंथैल्पी क्या होगी बेटा, इसलिए एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन होगी, ठीक है। तो इसका आप डिफरेंस कैसे निकालेंगे, H2 - H1, ठीक है। और आगे देखें आप, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जो एब्सोल्यूट वैल्यू है बेटा वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है, आप डिटरमाइन कर ही नहीं सकते एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि ये तो आपको किसके फॉर्म में मिलेगी, चेंज की फॉर्म में ही मिलेगी एंथैल्पी। तो आप कैसे निकालेंगे चेंज इन एंथैल्पी,
ठीक है, जो एंथैल्पी है वो कैसे शो होगी, मतलब चेंज इन एंथैल्पी के रूप में चेंज मिलेगी आपको। तो चेंज इन एंथैल्पी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे चेंज इन एंथैल्पी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो इंटरनल एनर्जी है वो भी किसके फॉर्म में आता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें जो है आपका चेंज होगा किसमें, प्रेशर और वॉल्यूम में भी। तो पी एंड वी, प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर चेंजिंग, तब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों आपके चेंज हो रहे हो तो रिएक्शन आपकी क्या बन जाएगी, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल पी वी। क्लियर है? ठीक है, तो एक बार फिर देखें बेटा आप, ठीक है, जैसे ये कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है, अब इस सिस्टम में कोई भी रिएक्शन होगी, ठीक है, कब होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी प्रेशर आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है या हीट आपकी इवॉल्व हो रही है रिएक्शन की ड्यूरिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है, तो वही आपकी क्या कहलाती है बेटा, एंथैल्पी कहलाती है, वही आपकी क्या कहलाती है, एंथैल्पी कहलाती है। क्लियर है? आगे देखें, अगर मान लीजिए आपका क्या है कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में क्या है, जो वॉल्यूम है वो तो चेंज होगा, तो आपकी रिएक्शन क्या बन जाएगी बेटा, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट डेल वी, यानी वॉल्यूम में चेंज होगा। ठीक है, इफ वी कांस्टेंट, और अगर मान लीजिए आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बेटा अब रिएक्शन कैसी होगी, अब आपकी इक्वेशन कैसी होगी, सॉरी, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस वी डेल पी, यानी आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा और चेंज किसमें होगा, प्रेशर में चेंज होगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बोल सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, जितने भी बच्चे जुड़े हैं हमसे इस समय, गुड मॉर्निंग बोल के, हाय बोल के अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाएं बेटा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। देखो बेटा, अब इसको आप जो आपकी जो इक्वेशन, जो आपकी जो फॉर्मूला आया है, ठीक है, किसका, एंथैल्पी का, क्या आया बेटा, डेल एच इक्वल टू, डेल एच इक्वल टू क्या था, डेल यू प्लस पीवी, अब या डेल एच इक्वल टू एच इक्वल टू यू प्लस पीवी, या इसको हमने चेंज करके क्या बोला था, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पीवी, है ना। तो अब इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। अब बेटा ये डेल एन जी आर टी है क्या, डेल एन जी आर टी है क्या, तो बेटा देखो, जो पी डेल वी है उसको आप क्या लिख सकते हैं, जो पी डेल वी है, ठीक है, अगर आपका क्या है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, ये वाली रिएक्शन लेंगे, ये आपकी मेन रिएक्शन है, ज्यादातर ये यूज आएगी, इस पर आप स्टार भी लगा लेना। ठीक है, तो अगर आपका प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो वॉल्यूम में चेंज होगा, वॉल्यूम किसकी बेटा, गैसियस, तो क्योंकि अपन जो भी बात कर रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है, गैसियस सिस्टम पे बेस्ड है मेनली, तो यहाँ पे बात हो रही है गैस की, तो गैस का जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में चेंज होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम में चेंज होगा, तो वॉल्यूम में चेंज होने से क्या होगा, उसके नंबर्स में भी चेंज होगा, गैसियस जो आपके पार्टिकल्स हैं उसके नंबर में भी चेंज होगा। तो डेल एन यहाँ पे क्या है, डेल एन आप पे बेटा चेंज इन पार्टिकल्स, चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस ही है यहाँ पे। ठीक है, जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं गैस के उसमें चेंज आ जाएगा, तो डेल एन उसी को शो कर रहा है, तो डेल एन जी गैस, गैस के लिए इसलिए गैस आर टी। ठीक है, तो पी डेल वी इक्वल टू क्या होगा आपका, डेल एन जी आर टी। तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या थी, डेल एच इक्वल टू, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, जब आपका क्या है बेटा, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इस सिचुएशन में ये थी इसकी वैल्यू। तो अब इसकी जगह पी डेल वी की जगह आप क्या लिख देंगे बेटा, डेल एन जी आर टी लिख देंगे, तो आपकी न्यू इक्वेशन आ जाएगी। यानी गैसियस सिस्टम के लिए जो आपका एंथैल्पी के जो
एंथैल्पी का जो वैल्यू होगा वो कैसे निकलेगा, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। ठीक है, तो इसके लिए मैं ट्रिक भी लाया हूं बेटा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, हे यू डेल एन जी आर टी, हे यू तुम कौन, डेल एन जी आर टी, यानी एक बार फिर देखें। ठीक है, तो बेटा गैसियस सिस्टम के लिए जो आपकी एंथैल्पी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक ट्रिक लाया हूं, वो ट्रिक क्या है, हे यू डेल एन जी आर टी, हे यू तुम कौन, डेल एन जी आर टी। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप ट्रिक से, हे यू ये क्या हो जाएगा, हे ये क्या हो जाएगा, यू, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, हे यू डेल एन जी आर टी, याद रख सकते हैं ऐसे। आगे बढ़ते हैं, अब बेटा आप देखें फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो हमारा थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ था, वो थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ था वो लो क्या था अपना, डेल यू, डेल यू, ठीक है, जो थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ था वो फर्स्ट लॉ क्या था, डेल यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हमारा थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ था। तो बेटा अब प्रेशर कांस्टेंट है तो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर ये हो जाएगा क्यूपी। ठीक है, तो अब बेटा यहां पे आप जानते हैं जो वर्क है वो वर्क आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम की फॉर्म में। ठीक है, तो प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं आप वर्क, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डी भी होगा या पी डेल भी होगा, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं आप, इसको डेल कर लें भले कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बात एक ही है। डेल यू इक्वल टू क्यू पी माइनस डब्ल्यू की जगह क्या रख सकते हैं आप, पी डेल भी। अब बेटा यहां पे आपका जो डेल एच है, जो डेल एच है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यूपी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट है। अब प्रेशर कॉन्स्टेंट है, जो आपका हीट इवॉल्व हो रही है या हीट आपकी क्या हो रही है बेटा, हीट जो आपकी इवॉल्व हो रही है या हीट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, तो इस कंडीशन में जो हीट इवॉल्व हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वही क्या होगी आपकी, एंथैल्पी होगी, क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट है। तो क्यूपी की जगह डेल एच लिख सकते हैं आप, एंथैल्पी लिख सकते हैं, तो डेल यू इक्वल टू डेल एच माइनस पी डेल वी, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं, उसके बाद बेटा देखें एंथैल्पी आगे, ठीक है, तो अब देखें बेटा डेल एच इक्वल टू क्या होगा, डेल एच इक्वल टू आपने क्या पढ़ा अभी, डेल एच इक्वल टू आपने पढ़ा डेल यू प्लस पी डेल वी, यही पढ़ा आपने, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। अब हाँ, ज्यादातर जो बात करेंगे बेटा वो इसी पे करेंगे, क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रख के बात कर रहे हैं, तो हम यही वाली इक्वेशन ज्यादा लेंगे। ठीक है ना, तो बेटा इधर देखें आप एंथैल्पी, अब एंथैल्पी जो है डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, यही फॉर्मूला पढ़ा आपने, किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी का। अब बेटा डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, पीवी को आप क्या लिखते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर नोबल गैसेस। ठीक है, तो नोबल गैसेस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, अब या यूं कह सकते हैं पीवी इक्वल टू क्या होता है बेटा, एनआरटी होता है, तो पी डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एन आर टी, जो कि जब वॉल्यूम में चेंज होगा तो जो पार्टिकल्स हैं गैस के उनमें भी चेंज हो जाएगा, तो डेल एन जी। ठीक है, तो पी डेल वी इक्वल टू डेल एन आर टी हो जाएगा, तो पी डेल वी इक्वल टू डेल एन आर टी रख देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी। अब देखें बेटा क्यू पी, ठीक है, अब जो आपका कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जो हीट में चेंज हो रहा है, यानी जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है
या हीट इवोल्व हो रही है, वही क्या है आपकी एंथैल्पी, तो इसको आप क्यूपी लिख सकते हैं, ठीक है। और डेल यू क्या है आपका, ये तो कांस्टेंट प्रेशर पे और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे, ये कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी है, कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या आ जाएगी बेटा, हीट आ जाएगी, क्लियर है। अब यहां पे देखें आप, ठीक है, तो अब देखें आप, आगे बढ़े, आगे देखें तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट, जो कांस्टेंट प्रेशर पे जो आपका हीट चेंज है वो तो डेल एच कहलाएगा, और जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आपका हीट चेंज हो रहा है वो डेल यू कहलाएगा, ठीक है। अब और ये डेल एन आर टी हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन क्या बन सकती है इससे, क्यू पी इक्वल टू क्यू वी प्लस डेल एन आर टी। अब देखें यहां पे, देखो ये मैंने आपको बताया था डेल एन जी क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस, तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस ऑफ रिएक्टेंट, तो इससे निकल जाएगा ये। तो बेटा अब इसमें कुछ कंडीशंस बनती हैं, यानी कंडीशंस क्या बनेंगी, डेल एच इक्वल टू डेल यू। अब डेल एच इक्वल टू डेल यू कब होगा, ठीक है, यानी डेल एच इक्वल टू डेल यू कब होगा, जो आपका एंथैल्पी हो, एंथैल्पी में चेंज है, चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल कब होगा, तो बेटा ये तब होगा, ठीक है, आपने इक्वेशन पढ़ी डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, तो बेटा अगर आपका डेल एन जी इक्वल हो जाए जीरो के, डेल एन जी इक्वल हो जाए जीरो के, यानी सीधी सी बात है कि डेल एन जी इक्वल हो जाएगा जीरो के, तो तब आपका ये डेल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल यू हो जाएगा, या आपका, ठीक है, दूसरी कंडीशन तब होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, तो बेटा यहां पे डेल वी इक्वल टू क्या हो जाए, वॉल्यूम में जो चेंज है वो जीरो हो जाएगा, तो डेल एच इक्वल टू डेल यू होगा। बेटा सीधी सी बात है, वॉल्यूम में चेंज अगर जीरो होगा तो आपके वॉल्यूम में चेंज जीरो होने की वजह से जो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स हैं उनमें चेंज भी तो जीरो ही होगा, तो ये बात करें बात सेम ही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो आपका जो वैल्यू है ये पूरी जीरो हो जाएगी, डेल एन जी जीरो होते या डेल वी इक्वल जीरो होते ये पूरी जीरो हो जाएगी, तो इस कंडीशन में डेल एच इक्वल टू डेल यू होगा, यानी एंथैल्पी में चेंज जो होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा इस कंडीशन में, क्लियर। ठीक है, अब व्हेन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड वेसल, अगर रिएक्शन किसी क्लोज्ड वेसल में हो रही है तो आपका चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा। भाई चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम जीरो कब हो सकता है, जब आपकी रिएक्शन किस में हो रही हो, क्लोज्ड वेसल में हो रही हो, तो उस कंडीशन में आपका डेल एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल यू हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। या फिर व्हेन इन अ रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, जब रिएक्शन में द टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, जो टोटल नंबर है गैसियस मॉलिक्यूल्स के, रिएक्टेंट गैसियस रिएक्टेंट्स एंड द टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी रिएक्टेंट के जो, व्हेन इन अ रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट है उसके गैसियस मॉलिक्यूल किसके नंबर, और जो टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स से प्रोडक्ट्स के, जब वो इक्वल हो जाए, यानी जो टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट है और जो टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट है, जब वो इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल होने की कंडीशन में, ठीक है, एन पी इक्वल टू एन आर, यानी
चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन नंबर सॉरी टोटल नंबर, चेंज नहीं टोटल, टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होते ही आपका जो चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका डेल यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एच, या डेल एच इक्वल टू डेल यू हो जाएगा। क्लियर। अब कुछ एग्जांपल हैं जिनको देखें आप, H2 गैस, ठीक है, जब Cl2 गैस से रिएक्ट कर रही है, अच्छा जब H2 गैस Cl2 गैस से रिएक्ट कर रही है तो 2HCl गैस बन रही है। अब जो आपके नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट है वो कितने, यहां पे ये भी 1 और ये भी 1, कितने हो गए यहां पे 2, और नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं यहां पे 2, तो कितना हो गया 2। तो डेल एन जी यानी चेंज कितना आएगा इसमें, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल हो जाएगा, या एंथैल्पी के इक्वल हो जाएगा। मैं चेंज इन एंथैल्पी बोलूं बेटा तो भी वो एंथैल्पी ही है, मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलूं तो भी वो इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि बेटा इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है दोनों की, इसलिए एंथैल्पी को चेंज इन एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी को चेंज इन इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में लिया जाता है। क्लियर है। अब सेकंड एग्जांपल देखें, ठीक है, अब यहां पर देखें आप, यहां पे एक बात का ध्यान रखना, ये किसके लिए है, गैस के लिए, किसके लिए है ये, गैस के लिए। तो बेटा यहां पे कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, तो CO2 गैस बन रही है। तो बेटा यहां पे जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो तो बनी है रिएक्टेंट के अंदर, वो तो सॉलिड है, ठीक है, और प्रोडक्ट में भी कितने 1 है, तो कितना हो जाएगा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट है गैसियस सिस्टम के, या नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट है वो कितने यहां पे 1, और नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट भी कितने 1। तो इसका जो चेंज आ जाएगा नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स वो कितना आएगा, 0, 1-1 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही N2 गैस प्लस O2 गैस, तो 2NO गैस बनेगी इससे, तो ये भी 1, ये भी 1, तो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हो गए 2, कितने हो गए बेटा 2 हो गए। तो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट भी कितने हैं 2 है, तो चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स कितना आएगा 2-2 0 हो जाएगा। तो यानी इन सारी कंडीशंस में आपका डेल एन जी क्या होगा, 0 होगा। और जब आपका डेल एन जी 0 होगा बेटा, तो डेल एन जी 0 होने की कंडीशन में आपका जो इंटरनल एनर्जी है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वो चेंज इन एंथैल्पी की क्या हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि रिएक्शन में जब आप डेल एन जी की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपका डेल एच इक्वल टू डेल यू आएगा उस कंडीशन में। अब सेकंड कंडीशन क्या बन रही है, सेकंड कंडीशन भी देख लें, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन यानी डेल एच आपका ग्रेटर होगा डेल यू से, कब होगा, जो आपकी चेंज इन एंथैल्पी है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी से ज्यादा होगी। कब होगी उसकी कंडीशन क्या होगी, जब आपका डेल एन जी क्या हो जाए बेटा, पॉजिटिव हो जाए। यानी बेटा जब भी डेल यू में आप कुछ जोड़ोगे, यानी डेल एन जी पॉजिटिव होती ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो बेटा जब भी आप डेल यू में कुछ जोड़ोगे, यानी डेल एन जी जब आप जोड़ रहे हो, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, डेल एच की डेल यू के कंपैरिजन में बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में आपका डेल एच किससे बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा डेल यू से। क्लियर। अब आगे देखें एक एग्जांपल, जैसे आपका PCl5 गैस है और ये PCl3 गैस है। अब Cl2 गैस का और Cl2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें आप जो चेंज ऑफ नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पे कितने, ये 1, और यहां पे कितना, ये भी 1 और ये भी 1। तो बेटा यहां पे जो नंबर ऑफ
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट है वो कितना है? 1, लेकिन नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने? 1 और 1, 2। तो बेटा जो चेंज आएगा वो क्या आएगा गैसियस मॉलिक्यूल्स में? 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी वैल्यू क्या आई डेल एन जी की? पॉजिटिव आई। डेल एन जी की वैल्यू पॉजिटिव होते ही आपका डेल एच ग्रेटर हो जाएगा किससे? डेल यू से। क्लियर? या सेकंड एग्जांपल देखें तो 2NH3 से N2+3H2 बनेगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 1 और ये 3, टोटल कितने हो गए? 4। तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2। तो डेल एन जी कितना आएगा आपका? 2 आएगा। तो इस मतलब सिचुएशन में डेल एन जी पॉजिटिव होती डेल एच आपका ग्रेटर हो जाएगा किससे? डेल यू से। क्लियर? अब दूसरी सिचुएशन, डेल यू आपका ग्रेटर हो जाए डेल एच से। तो बेटा अभी आपने पढ़ा कि क्या पढ़ा अभी आपने? डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी प्लस डेल एन जी आर टी, ठीक है, ये आपने पढ़ा अभी फॉर्मूला। अब इसके अंदर बेटा अगर आपका डेल एन जी नेगेटिव हो जाए, डेल एन जी नेगेटिव हो जाएगा तो डेल यू में से कुछ ना कुछ क्या होगा? माइनस होगा। माइनस होगा तो डेल एच सीधी बात है छोटा हो जाएगा डेल यू से। लेकिन डेल एन जी आपका नेगेटिव कब होगा उसको भी देखें आप। जैसे एग्जांपल है 2SO2 गैस से O2 गैस रिएक्ट कर रही है तो 2SO3 गैस बन रही है आपकी। अब इसमें देखें आप जो नंबर ऑफ आपके किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ गैस क्या है आपके यहाँ पे? 2 और 1 कितना? 3। तो NR इक्वल टू कितना है आपका? 3, ठीक है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? NP इक्वल टू 2। तो अब इसका जो चेंज है 2 माइनस 1, क्योंकि क्या होता है डेल एन जी इक्वल टू क्या होता है? NP माइनस NR होता है, ठीक है। तो 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। अब इस कंडीशन में डेल एन जी की वैल्यू क्या आई बेटा? नेगेटिव आई। नेगेटिव आने की कंडीशन में आपका जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो एंथैल्पी से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्लियर? अब देखो बेटा इसके लिए न्यूमेरिकल अप्रोच, यानी न्यूमेरिकल किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल अप्रोच अगर आप देखते हैं तो डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए तो आप एक गलती करेंगे, इसलिए मैं पहले से बता देना चाहता हूँ। तो डेल एच आपका क्या है बेटा? किलो जूल में। डेल यू यानी इंटरनल एनर्जी भी आपकी किसमें है? किलो जूल में, ठीक है। लेकिन आपका जो ये गैस कॉन्स्टेंट है आर, वो किसमें होता है बेटा? जूल में होता है। तो इसको भी आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा? किलो जूल में, नहीं तो फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और, कभी कभी क्या होता है जो आपका गैस कॉन्स्टेंट है आर उसकी वैल्यू है 8.314। अब कभी कभी पॉइंट्स में दिक्कत आती है सॉल्यूशन निकालने में, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के। तो आप इसको 25/3 भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 25/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आर इक्वल टू आपका 25/3 भी लिख सकते हैं, तो आर इक्वल टू 25/3 लिखेंगे आप तो बेटा इस कंडीशन में ठीक है। तो इस कंडीशन में देखें आप R इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? R इक्वल टू 25/3 लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 8.33 के समथिंग आएगी। तो 8.33 के समथिंग आएगी तो 8.314 लगभग इक्वली होता है ना, थोड़ा सा पॉइंट्स का फर्क होता है। तो आप
कई न्यूमेरिकल में 25/3 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं आर गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू। क्लियर? तो आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चंस देखें। तो बोर तो नहीं हुआ ना? अरे बोर मत होना बेटा, लोहा जितना तपता है वो उतना ज्यादा अच्छा आकार लेता है, ये आप जानते हैं, आपको पता है, इसलिए बेटा आपको भी तपना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको तपना पड़ेगा, आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा, न चाहते हुए भी आपको तपना पड़ेगा, इसीलिए बोर न होना, केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। तो वापस अपनी पढ़ाई पे आइए नई एनर्जी के साथ, बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इवोपरेशन, जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है इवोपरेशन की, ठीक है, देखो एंथैल्पी भी अलग अलग टाइप की होती है, ये सब पढ़ेंगे अपन। जैसे कार्बन को हम क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो बेटा एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे वाटर को वेपराइज करें तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। इस तरीके से कई सारी एंथैल्पीज निकलेंगी। तो यहां पे देखो जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इवेपरेशन है, ठीक है, वो क्या है, डेल वेपराइजेशन दे रखा है फॉर वाटर, किस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ये डेल वेपराइजेशन की वैल्यू दे रखी है आपको, एंथैल्पी दे रखी है, वेपराइजेशन हो रहा है तो एंथैल्पी चेंज दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 40.66 किलो जूल पर मोल। जो इंटरनल एनर्जी है वेपोरेशन की वाटर के, वो क्या है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो कितनी है, वो आपको निकाल ली है। ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी है, फाइंड द, जो इंटरनल एनर्जी है, फाइंड द या कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर 800 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी है वाटर के इवेपोरेशन की, लेकिन किसमें निकालनी है बेटा, किलो जूल पर मोल, किसमें निकालनी है, किलो जूल पर मोल। तो अब देखें कैसे, तो आपको दे रखा है डेल एच वेपराइजेशन, आपको दे रखा है 40.66 किलो जूल पर मोल दे रखा है, उसके बाद आपको टेम्परेचर दे रखा है। अब टेम्परेचर बेटा ये आप जानते हैं कि टेम्परेचर जो होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है, तो आपको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस को कितना हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा। अब डेल्यू आपको निकालना है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है आपको, यानी इंटरनल एनर्जी निकालनी है वेपराइजेशन की। तो अब देखिए बेटा, जब भी H2O लिक्विड, ठीक है, वेपराइजेशन हो रहा है, तो जब भी H2O लिक्विड से H2O गैस को गैस में बदलेगा, वेपराइज होगा, तो इस कंडीशन में आप देखें डेल एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये तो लिक्विड है तो 0 रहेगी, क्योंकि यहां तो गैस की बात के लिए आती है डेल एन की, एन की वैल्यू। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैसियस प्रोडक्ट 1 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितने, 0, तो 1 - 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो डेल एन जी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहाँ पे 1 आ गई। तो आप फॉर्मूला देखें, आप फॉर्मूला क्या होता है आपका, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ये फॉर्मूला होता है। डेल एच की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, दे रखी है डेल एच की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी बेटा, 40.66 दे रखी है। ठीक है, डेल यू आपको निकालना ही है, और डेल एन जी, डेल एन की वैल्यू अभी निकाली अपन ने, 1 × डेल एन जी की वैल्यू 1 आ गई, आर गैस कॉन्स्टेंट 8.314। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको ये जूल में होता है, किलो जूल में रखेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, इंटू 373 केल्विन। ठीक है, क्योंकि डेल एच भी आपको किस में दे रखा है, किलो जूल में ही दे रखा है, तो किलो जूल में ही रखना पड़ेगा आपको गैस कॉन्स्टेंट भी। ठीक है, अब देखें तो 40.66 इक्वल टू डेल यू प्लस, ठीक है, ये पूरा आप सॉल्व करेंगे बेटा, कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 3.10 आएगी। तो 3.10 उधर चला जाएगा,
तो 40.66 माइनस 3.10 कितना हो जाएगा, 37.56 किलो जूल। किसका वैल्यू हो जाएगा आपका, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी। तो 37.56 किलो जूल, तो 37.56 किलो जूल, ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, किलो जूल पर मोल। पर मोल की बात ही करेंगे क्योंकि यहाँ एक ही मोल के ऊपर सारी कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वन मोल ऑफ अ नॉन आइडियल गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। वन मोल ऑफ एन ऑफ अ नॉन आइडियल गैस, ठीक है, जो वन मोल है नॉन आइडियल गैस के, ठीक है, तो नॉन आइडियल गैस, वन मोल ऑफ ए नॉन आइडियल गैस अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट, जो वन मोल है नॉन आइडियल गैस के वो किस में जाते हैं, अ चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट की चेंज में, ठीक है। यहां पे जो आपका जो प्रेशर है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है, जो आपका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, और जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो वन मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस अंडरगोज अ चेंज, चेंज हो जाता है इसकी स्टेट में, तो विद अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज भी होगा इंटरनल एनर्जी में भी चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डेल इक्वल टू 3.0 लीटर एटीएम। द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द प्रोसेस इन लीटर एटीएम इज, तो अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है चेंज इन एंथैल्पी निकालना है इस प्रोसेस में। तो बेटा आप देखें, डेल इक्वल टू आपको कितना देखा है, 30 लीटर एटीएम। अब डेल एच आपको निकालना है, चेंज इन एंथैल्पी निकालना है। अब डेल एच इक्वल टू क्या होता है, डेल यू प्लस पी डी डेल पी वी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम दोनों दे रखा है, देखो ये चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम दोनों दे रखा है आपको, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका दोनों ही चेंज हो रहा है, तो दोनों ही चेंज हो रहा है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, जब दोनों ही चेंज हो तो डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पी वी। तो ये कैसे हो जाएगा, डेल एच इक्वल टू डेल यू आपका क्या है, 30 दे रखा है, ठीक है, प्लस डेल पी वी को पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन रख देंगे। डेल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बेटा, 30 प्लस पी टू वी टू, ठीक है, जब आप निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, यहां से आपको वैल्यू दी गई है, वैल्यू दी गई है आपको, जब P2 V2 इक्वल करेंगे आप, P2 को V2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये P2 into V2 4 into 5 कितना हो जाएगा आपका 20, ये P2 V2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई होके 4 into 5, ठीक है, और P1 V1 2 into 3 कितना 6, तो P2 V2 की वैल्यू है कितनी 20 और P1 V1 की वैल्यू कितनी आई 6 रख देंगे यहाँ पे, सॉल्व करेंगे 30 प्लस 20 माइनस 6 14 हो जाएगा, तो 30 प्लस 14 इक्वल टू 44.0 लीटर एटीएम आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथैल्पी ऑफ अ सबस्टांस डिनोटेड बाय एच, किसी भी सबस्टांस की एंथैल्पी को एच से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है बेटा, एच से डिनोट किया जाता है, इज डिफाइंड एज, तो अब आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे जो एंथैल्पी है, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा बेटा एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, क्लियर है। अब देखे बेटा, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जब भी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होंगी तो बेटा उस रिएक्शन के ड्यूरिंग किसमें, एंथैल्पी में या हीट में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो अलग अलग रिएक्शन टाइप की रिएक्शंस के लिए, जैसे मैंने बताया था आपको एंथैल्पी ऑफ कम्बशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो उस कंडीशन में जो आपकी एंथैल्पी है वो अलग अलग तरीकों से निकलेगी,
तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन अब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है ये एक बार फिर से देखें, तो हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट के रूप में डिफाइंड की जाती है, इवॉल्व और एब्सॉर्ब्ड, जो इवॉल्व होती है या एब्सॉर्ब होती है, व्हेन क्वांटिटीज ऑफ सबस्टांस, जब सबस्टांस की जो क्वांटिटीज है इंडिकेटेड बाय द केमिकल इक्वेशन, ठीक है, जब सबस्टांस की जो क्वांटिटीज है वो केमिकल इक्वेशन के द्वारा इंडिकेटेड होती है, हैव कंप्लीटली रिएक्टेड, यानी आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो कंप्लीटली क्या होनी चाहिए, आपकी जो है रिएक्टेड होनी चाहिए, यानी कंप्लीट रिएक्शन होनी चाहिए, उसके अंदर जो आपकी जो क्वांटिटीज है सबस्टांस की वो इंडिकेटेड कर रहे हैं हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू, तो इस कंडीशन में जो आपका अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रहा है या एब्जॉर्ब होता है वही होता है आपका क्या, हीट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। अब कैसे निकालते हैं बेटा ये आपका हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इट इज द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी का जो होता है उसका डिफरेंस होता है। तो चेंज इन एंथैल्पी या एंथैल्पी कैसे निकालेंगे बेटा आप, ठीक है, या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, जो आपका एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है उसका सम माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है उसका सम, ऐसे निकलेगा आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू, ठीक है। अब बेटा जैसे आपने पढ़ा था वहां पर, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था कि जब किसी सिस्टम को हीट, जब किसी सिस्टम को हीट दी जा रही है तो वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, जब किसी सिस्टम के थ्रू हीट दी जा रही है तो वो नेगेटिव होगी, जब किसी सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और जब किसी सिस्टम के थ्रू वर्क किया जा रहा है तो वह नेगेटिव होगा, ये आपने साइन कन्वेंशन देखे थे, ठीक है। वैसे यहां पे भी साइन कन्वेंशन है, जब भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जब भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तब साइन कन्वेंशन क्या होगा, और जब आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तब साइन कन्वेंशन क्या होगा। तो बेटा जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो हीट जो आपकी है इवॉल्व होगी, ठीक है, हीट क्या होगी आपकी इवॉल्व होगी, यानी हीट इवॉल्व होगी तो हीट के जो चेंज इन एंथैल्पी वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, या ठीक है अगर इसको बात करूं मैं किसकी, जो जो आपका हीट ऑफ रिएक्शन या आपका एंथैल्पी है रिएक्शन की, वो अगर मैं बात करूं किस पर बेटा, कांस्टेंट प्रेशर पर बात करूं तो कांस्टेंट प्रेशर पर ये डेल एच हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बात करूं किस पर बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात करूं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो आपका जो हीट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, या हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, डेल यू की फॉर्म में होगा, ठीक है, या क्यू नेगेटिव हो जाएगा अगर क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो अपन हीट को। क्लियर। अब लेकिन बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो हीट क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी, अब एब्सॉर्ब होने की कंडीशन में आपका जो एंथैल्पी चेंज है वो भी पॉजिटिव होगा, अगर किस पर लिया जा रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिया जा रहा है तो फिर आपका डेल यू होगा, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ द रिएक्शन, और क्यू इक्वल टू पॉजिटिव अगर क्यू की फॉर्म में ले रहे हैं अपन हीट को। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हीट ऑफ द रिएक्शन, हीट ऑफ द रिएक्शन इज आइदर एक्सप्रेस्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम और आइदर एट कांस्टेंट प्रेशर, जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो आइदर या तो आपकी किस पर एक्सप्रेस की जाती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, अगर आप हीट ऑफ रिएक्शन को किस पे लिख रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, डेल यू, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, डेल यू, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम वी यू, ये वी ये यू ऐसे याद रख सकते हो आप, वी यू। क्लियर, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, है ना, और कांस्टेंट प्रेशर पे तो प्रेशर क्या होता है पी, और ये क्या है एच, तो पी एच, तो ऐसे रिलेशन आप याद रख सकते हो। तो हीट ऑफ द रिएक्शन अगर आपका किस पे निकल रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकल रहा है, एक्सप्रेस करें आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसको डेल यू से रिप्रेजेंट करेंगे,
और कांस्टेंट प्रेशर पे निकालेंगे तो डेल एच से रिप्रेजेंट करेंगे या निकालेंगे, क्लियर। यानी जो हीट ऑफ रिएक्शन है अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकलेगा तो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में निकलेगा, और अगर मान लीजिए किस पे निकल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो एंथैल्पी की फॉर्म में निकलेगा हीट ऑफ द रिएक्शन। H2 प्लस Cl2, इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहां पे देखो ये H2 प्लस Cl2 दोनों गैस है, 2HCl गैस बन रही है इससे। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेटा आपकी हीट इवॉल्व हो रही है, कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, कितनी हीट निकल रही है, माइनस निकल रही है तो माइनस से डिनोट करेंगे, -44 केल्विन, ठीक है, किलो केल्विन। अब यहां पे इसको एक्सप्रेस किया गया है कांस्टेंट प्रेशर की फॉर्म में, कांस्टेंट प्रेशर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है हीट को, जो हीट निकल रही है इवॉल्व हो रही है, तो कांस्टेंट प्रेशर की फॉर्म में क्या आएगा, डेल एच की फॉर्म में आएगा, ठीक है, यानी एच की फॉर्म में आएगा। और यहां पे जो सेकंड एग्जांपल देखें, C2H4 गैस से 3O2 गैस बन रहा है, तो सॉरी C2H4 गैस 3O2 गैस से जब रिएक्ट कर रहा है तो 2CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड बन रहा है आपका। अब यहां पे जो आपका डेल यू की फॉर्म में हीट जो इवॉल्व हो रही है, ठीक है, यहां भी हीट इवॉल्व हो रही है, तो हीट कितनी इवॉल्व हो रही है भाई, माइनस दे रखा है तो इसका मतलब हीट इवॉल्व भी हो रही है, तो हीट कितनी इवॉल्व हो रही है आपकी, 335 किलो कैलोरी। अब यहां पे जो आपको जो एक्सप्रेस किया जा रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है, किसको, जो हीट इवॉल्व हो रही है उसको। तो यानी यहां पे जो आपका जो हीट ऑफ द रिएक्शन है वो किसकी फॉर्म में, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में, यानी डेल यू की फॉर्म में निकल रहा है, जो कि आपका ये किस पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो डेल एच की फॉर्म में, और कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो डेल यू की फॉर्म में निकलेगा हीट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब ये तो आपका यहां तक मैंने आपको समझा दिया क्या, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, अब हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं जिनको बेटा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सबसे पहले तो एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, यानी एंथैल्पी क्या थी, जो आपके कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी सिस्टम के थ्रू जो हीट इवॉल्व हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है वही क्या है बेटा, वो आपकी क्या है, एंथैल्पी है, ठीक है, आपकी नहीं मतलब सिस्टम की एंथैल्पी है। तो आज हमने एंथैल्पी को देख लिया। अब एंथैल्पी के बाद जो हीट ऑफ द रिएक्शन था क्या था बेटा, जो आपका हीट ऑफ द रिएक्शन था, जो हीट ऑफ द रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जिसको आप कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकलेगा, वो सब हम देखेंगे धीरे धीरे। लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, यानी हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट क्लास में हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन ही रहेगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद है। और बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, देखो मेरा ये कहना है कि एक राजा का साम्राज्य जहां तक होता है उसका आदर सत्कार वहीं तक होता है, लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति का, एक एजुकेटेड पर्सन का आदर सत्कार केवल उसकी जन्मभूमि में नहीं बल्कि पूरे संसार में होता है। जैसे आप देख लें अल्बर्ट आइंस्टाइन को देख लें, रविंद्रनाथ टैगोर को देख लें, विलियम शेक्सपियर को देख लें, ये ऐसे लोग हैं बेटा जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी कीर्ति को, अपने ज्ञान की कीर्ति को फैलाया है। तो बेटा ज्ञान वो कवच है जो आपको हमेशा सुरक्षित रखता है, आपको हर जगह आदर दिलाता है। इसलिए बेटा मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, आप पढ़ाई कीजिए, आप आगे बढ़िए, ताकि आपको
केवल आपकी जन्मभूमि यानी केवल भारत में ही नहीं, आपको पूरी दुनिया में जाना जाए फ्यूचर में। तो इसलिए बेटा पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपसे बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद है। जय श्री कृष्णा।